2017 में एक विवाहित महिला ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में यह आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, पति द्वारा मारा पीटा जा रहा था और उसके मना करने पर भी उसके साथ जबरदस्ती कर उसका बलात्कार किया जा रहा था। उसने अपनी पति पर वस्तुओं के साथ उसका बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए अप्रतिक यौन संबंध का भी आरोप लगाया था। मामले को समझने के बाद छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कहा, यौन संबंध या कोई भी यौन क्रिया, यहां तक कि किसी पुरुष द्वारा अपनी पति के साथ बलपूर्वक किया जाना बलात्कार नहीं है। हालांकि अप्राकृतिक यौन संबंध की अनुमति नहीं है और व्यक्ति को इसके लिए दंडित किया जाएगा। विवाह में बलपूर्वक यौन करना तभी अपराध है जब पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम हो। पिछले महीने केरल उच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध को वैवाहिक बलात्कार कहा जा सकता है। हालांकि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का एक अलग फैसला था। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने ट्वीट कर कहा, अगर पति अपनी पत्नी को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करते हैं तो यह वैवाहिक बलात्कार है। पति को महिला के फैसले का सम्मान करना चाहिए। यह बहुत ही शर्मनाक है। कानून में संशोधन की जरूरत है।